की बहन के ड्रेसेस फाइनल हो गए हैं, हर चीज हो गई है, एक चीज रह गई है। फटाफट भागे 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 भागे। प्यारा लग रहा है, नहीं होनी चाहिए ऐसा डिजाइन, मैंने पहना नहीं। ढोलकी टाइप बरात टाइप है, माता पट्टी या मेहरून वाला। Hi everyone, assalam alaikum, this is me Rukia Kashif Khan, welcome back to my YouTube channel. स्पेशल व्लॉग। सो गाइज, आज का सीन कुछ इस तरह का है कि आपकी बहन के ड्रेसेस फाइनल हो गए हैं, वेन्यू फाइनल हो गया, मेन्यू फाइनल हो गया, हर चीज हो गई है, लेकिन एक चीज रह गई है। जानना चाहते हैं वो चीज क्या है? भाई ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी के बगैर हर चीज इनकम्प्लीट रहती है, आप लोगों को पता ही है। ज्वेलरी हमें देखने जाना है आज और फाइनलाइज करनी है, तो आप सब मेरे साथ ना जाए ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। आज हम ज्वेलरी फाइनल करेंगे और आई होप कि हम लोग ज्वेलरी फाइनल कर सकें। एक तो हमारी चॉइस ऐसी है ना कि हर चीज हमें पसंद आती नहीं है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत ही कम और यूनिक और बहुत प्यारी चीज पसंद आती है। सो लेट्स सी ज्वेलरी पसंद आती है क्या नहीं, तो अभी हम लोग निकलते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आजकल सच बताऊं तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कुर्ती पहनने का। मैंने मम्मा की ही कुर्ती निकाल के पहन ली है, सो हियर आई एम। तो बस जल्दी से मम्मा रेडी हो जाए, ये लोग तैयार हो जाए। तो घर में रेनोवेशन चल रही ना, उसकी वजह से सारी चीजें मेस्ड अप हुई हुई है, तो बस मैं तो तैयार हूँ, बाकी सब तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार होंगे फिर हम लोग निकलेंगे। अभी भी पूरा घर जो है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि शुरू शुरू से यू नो रेनोवेशन चल रही है। कबर्ड्स वगैरह जो बनने थे वो बन गए हैं, यहाँ से रास्ता भी खुल गया है। सच बताऊं तो पहले हमारा जो ओल्ड घर था ना, उसका रास्ता यहीं से था। किचन भी इन प्रोसेस है, कलर यहाँ का फाइनल हो चुका है। ओए होए होए, और जो कलर की खुशबू आ रही होती है ना, बहुत पसंद है मुझे। कलर की खुशबू, एक फिनिश की खुशबू। No, God, please, no. ये कमरा भी फैला हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तक फाइनल हो जाएगा। दरवाजे चेंज होने हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इस ड्राइंग रूम का हाल बेहाल है, एक बच्चा ऊपर सो रहा है, एक बच्चा इधर सो रहा है। सारे बच्चे सुबह से काम में लगे हुए हैं, लेकिन बाबा जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपको बता नहीं सकती गाइस। सुबह से वो लगे हुए होते हैं कामों में, सारी मेहनत वो कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे अम्मा अब्बा को लंबी जिंदगी अता फरमाया, तो तंदुरुस्ती अता फरमाया, आमीन सुमा आमीन। और मैं आप लोग भी हमेशा याद रखता करें। तो खैर अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ऑफिस से ज्वेलरी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। भाई अभी मैं एक शॉप पे गई, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। हम मैं डिजाइन देखी लेकिन सब वो बढ़ नहीं था, मतलब यार मैं चाह रही हूँ आर्टिफिशियल भी हो, गोल्ड भी हो, इस तरह हमारी ज्वेलरी हो कि हम पहन सकें। तो खैर एक दूसरी शॉप पे आए हम लोग, यहाँ पर हम देखेंगे। भाई एक जबरदस्ती शॉप मिल गई है, यहाँ पे बेहद हसीन ज्वेलरी हमें नजर आ गई है। मम्मा का तो इस ज्वेलरी पे दिल आ गया है, बहुत खूबसूरत यार। मम्मा कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा इसका साइज मतलब बड़ा ही है, लोग नॉर्मली इतना ही पहनते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर चली इसी फैशन में है ना। प्यारा लग रहा है, जरा मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। मम्मा पकड़े थे हमारे कैमरा, मेरा दिखाओ जरा, रख कर तो देखूँ कैसा लगे। बहुत प्यारा लग रहा है, सो प्रिटी। मुझे ऐसा लगता है जब झूमर बड़ा होता है ना, तो जो बिंदिया होती है उसको फिर हमें लगाना चाहिए, फिर झूमर ही अच्छा लगता है। आपका वैसे भी जो फेस कट है उसको अच्छा लगेगा। पूरा वेयर करके देखें, वेयर करा। वाओ मां देखिए प्यारा लग रहा है, वाओ कलर कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत बहुत फिटी लग रहा है। वैसे भी मेहरून और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पूरा पहन के देखते हैं। मेरा नसीब ही यहाँ पे लिखा था, मुझे यहीं आना था खूबसूरत ज्वेलरी देखने। ये ब्लैक नहीं होती, ब्लैक नहीं होती, ब्लैक नहीं होती है। मम्मा का तो इस वाली ज्वेलरी पे दिल आ गया जो मैंने अभी पहनी है। वाओ अभी पहन के देखी, पहले ये देख लूँ मैं। इयर रिंग्स पहनूंगी, साथ में से झूमर होगा तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा, थोड़ा ये और ऊपर होगा। लेकिन बिंदिया के साथ ही क्लास का लगा, बहुत अच्छी लग रहा है भाई, मेरी तारीफ हो गई है गाइस। ये प्यारा लग रहा है, देखिए हम क्यूट लग रहा है, बहुत मस्त। आपको चाहिए मेरे लिए देखनी है ना, नाइस। और जब मेकअप वगैरह तो वैसे ही चार चांद लग जाते हैं गाइस। मेहरून वाला तो मम्मा और मेरा दिल आ गया उस वाले सेट पे। अब एक ये वाला सेट है, इसका बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज एंड पिंक, और माथा पट्टी बहुत प्यारी है। पहन के देखते जो सूट करेगी ना, फिर हम वो फाइनलाइज कर लेंगे।
Oh my god! Wow, so pretty! Oh my god, मम्मा कैसी लग रही है? बहुत ही ज़्यादा cute. अच्छी लग रही है. मेरे ख्याल से ऐसा डिजाइन मैंने पहना नहीं है ना. मैं चाह रही कुछ यूनिक हो. बेशक पहना हो लेकिन अच्छा लगना चाहिए. ड्रेस के साथ प्यारा लगना चाहिए. तो ये वाला बहुत बहुत प्यारा लग रहा है. झुमकियाँ भी बहुत प्यारी. गले में ना पहना जाए, है ना? गले में ना पहना जाए. अच्छा, इसमें ये होता है एक चीज निकल जाती है. दोनों तो आपने सूट कर रहे थे, अब आपकी चॉइस है कि आपके कलर कॉम्बिनेशन. मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है. लास्ट मंथ जो भी वेयर किया. वैसे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा वाला बेस्ट लग रहा है. एक ढोलकी टाइप है, एक बराट टाइप है. अब मुझे कुछ एमरल्ड में भी देखना है. तो जो उसमें से बेस्ट लगेगा ना, वो हम फिर डन कर देंगे. क्या बोल रही है? सारे सेट बहुत क्यूट है. ये देखें आप, ये ग्रीन वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है. लेकिन इस तरह का मैंने पहना हुआ है ना मम्मा, इसलिए नहीं. मगर वो पहले वाले पे जो दिल आया ना, मेहरून वाला पे, माता पट्टी पे तो दिल आया. नहीं, माता पट्टी या मेहरून वाला, दोनों. अब इस तरह मम्मा ने तो कंफ्यूज कर दिया दोनों. ऐसे सिर्फ मुझे ही ज्वेलरी नहीं देखनी, मम्मा को भी देखनी है. तो ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है मम्मा के ड्रेस के हिसाब से. मम्मा पहन के दिखाएं. आप सेट पहन लिया. ये रही बिंदिया, मम्मा लगा के दिखाएं. दुल्हन की अम्मा को तो चेक करें गाइस आप. अभी तो दिखाओ, मैं अभी तो देखूं कैसी है. वैसे आपने नहीं पहनी ना आज तक ग्रीन. नहीं, ग्रीन नहीं पहनी. ग्रीन मैं ग्रीन देखूंगी, है ना. प्यारी लग रही है माता पट्टी. बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है इनके पास. इस तरह हमारी माता पट्टी भी है पूरी वाली. अच्छा, वो वाली है जो पूरे माथे पे आती है, वो चेक करके मुझे दिखाओ गाइस. एक ये वाली माथा पट्टी भी है. मुझे एक उस तरह वाली भी देखना जो पूरे हेड पे आती है ना. बट ये वाला भी प्यारा लग रहा है. मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. जैसे जैसे डिजाइन देख रहे हो ना, वैसे वैसे मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ कौन सा फाइनल करूँ. यार हर चीज ही आपकी बहन पे कमाल लगती है. वैसे गाइस ये वाली बिंदिया मेरी अम्मा पे भी बहुत प्यारी लग रही है. जो मेरी अम्मा को सूट करता है वही चीज मुझको सूट करती है. अच्छा, मुझे ना कुछ एमरल्ड में भी दिखा दो. कुछ एमरल्ड वाला सेट हो गया ना, कुछ हैवी वाला उस तरह. ये एक बहुत प्यारा सेट लग रहा है, इसको पहन के देखते हैं. इसके साथ बिंदिया भी है. अच्छा, मुझे ना छोटी बिंदिया बिल्कुल नहीं पसंद. ये झूमर अच्छा लग रहा है. ये थोड़ा इंग्लिश लुक देता है. झूमर अच्छा लग रहा है, बिंदिया नहीं. झुमका कानों में सेट भी बहुत प्यारा है. सारी चीज़ें कैप्चर में इसलिए करें कि बाबा को जाकर दिखाऊंगे. बाबा जो बोलेंगे ना डन है, वही हम डन करें. नाउ इट्स टाइम टू सेलेक्ट रिंग्स गाइज. हमेशा इस तरह का होता है मेरे साथ, चाहे मेरे फ्रेंड्स का फंक्शन हो चाहे मेरा खुद का फंक्शन हो, मैं हमेशा रिंग्स ही लेना भूल जाती हूँ और पहनना भी भूल जाती हूँ. ये एक रिंग कॉन्स्टेंट है, ये मेरे हाथ में रहती है. लेकिन अभी मैं रिंग्स देखूंगी क्योंकि मुझे सच में चाहिए. एक तो मेरा साइज ही बहुत मुश्किल से मिलता है ना. ये साइज सही है. मम्मा निकाले, हाथ में फंस गई. मम्मा तो एकदम फोकस होके रिंग्स पर देख रही हैं क्योंकि मम्मा रिंग्स की दीवानी है. ये मेरी अम्मा को इतनी पसंद है ना रिंग्स के, बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को. मैंने भी आज अपने लिए फाइनली रिंग्स पसंद कर ली हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी नाजुक नाजुक. एकदम खूबसूरत सी ज्वेलरी जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली है गाइज. और बेहद हसीन ज्वेलरी, मम्मा को भी पसंद आ गई और मुझे भी. तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. बाबा को भी हम दिखाएंगे पिक्चर, फिर बाबा भी सेलेक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ आई हूँ किसी ब्रांड कुर्ती वगैरह देखने. जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास कैजुअली कपड़े पहनने के लिए कैजुअल कपड़े ख़त्म हो चुके हैं. तो मुझे अपनी ख़रीदारी करनी है, तो इस वजह से मैंने कहा जो पसंद आए जल्दी जल्दी से ले लेते हैं. अब आए हुए हैं तो दो तीन काम निपटा लेते हैं. इस वजह से पूरा मॉल हमने बंद करवा दिया है, लेकिन जो मकसद था ना हमारा वो पूरा हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर ली है, साथ ही साथ जो मुझे कैजुअल कुर्तियाँ लेनी थी वो भी मैंने ले ली है. अब बस हम लोग जाएंगे नीचे हाइपर स्टार. एकदम खतरनाक किस्म का सर में दर्द शुरू हो गया गाइस. उफ, और सब बंद है ना, इंसान जूस ले सकता है ना कुछ और. अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, मम्मा और मैं जूस वगैरह पिए. बहुत मुश्किल से हमें जूस मिल गया है. और आज इस बच्चे ने बहुत काम किया है ना, सारा सामान जितना लेना था सब उठा उठा के रखे ना. आप ना इसके अंदर ना फ्रूट की आइसक्रीम बना के खा सकते हो. गुड आइडिया, गुड आइडिया. गाइस इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस होने लगी है ना, मैं वो क्या बताऊँ. मेरा दम घुट रहा था कि मैंने ठंडा बर्फ़ वाला पानी लिया है, तो मेरा दिमाग थोड़ा हाजिर हुआ है, वरना वो
मुझे चला तक नहीं जा रहा, इतने चक्कर आ रहे थे। I'm just back home guys। तबीयत बहुत अजीब होने लग गई है, पता नहीं क्या हुआ अचानक। सर में मेरे बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ऊपर से ना चक्कर आ रहे। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, जल्दी आके लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, दुआ में याद रखो, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, हाफिज़।